तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, या फिर इसी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो बहुत सारे फिनोमिना जो हम देखते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, किए जाते हैं, तो उसी को हम पढ़ते हैं, है ना। क्या क्या चीजें हैं वो देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात तो, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ने वाले हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए फ्लूइड्स बोलते किसको है। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं या जो भी चीज है जो फ्लो कर सके, फ्लो करे, है ना, जिसका फ्लो हो सकता हो, उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। तो इसमें फ्लूइड्स में केवल लिक्विड्स नहीं आएंगे बच्चों, गैसेस भी आ जाएंगे, है ना। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको जरूरी नहीं है कि लिक्विड्स के बारे में ही आप पढ़ रहे हो, वो गैसेस भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फ्लूइड्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फ्लूइड्स की डेफिनेशन में लिखेंगे आप, फ्लूइड्स में एनीथिंग 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 विच कैन एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड, इज कॉल्ड एज फ्लूइड। लेकिन याद रखेंगे एनीथिंग विच कैन फ्लो तो ठीक है, उसको तो फ्लूइड बोलेंगे, बट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस है ना, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। तो किसी भी प्रेजेंस में, एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में वो अगर मूव कर रहा है तो हम उनको फ्लूइड्स बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ऐसे एक ढलान है और यहाँ पर लिक्विड फैला हुआ है, मतलब वाटर है, तो ये वाटर नीचे की तरफ फ्लो करेगा ना बच्चों। क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट जो है जो इसको ढलान की तरफ ले जा रहा है, तो लिक्विड को फ्लो करा रहा है। तो एमजी फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो फ्लो कर रहा है। अब मान लो कि आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में, स्पेस में चले जाओ, इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है भाई? जहां पे कोई भी ग्रेविटी नहीं, किसी भी प्लेनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर वहां जाके आप वाटर की ड्रॉपलेट्स रख देंगे, वाटर रख देंगे, तो वो फ्लो नहीं करेगा, फिर वो वहीं पे रह जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्स होगा तो ये फ्लो करना चालू कर देगा, वहां पे ड्रॉप के रूप में होगा, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है वो आपकी फ्लूइड्स कहलाती है। तो एग्जाम्पल के लिए दोनों चीजें हो गई, एक तो आप बोल सकते हो लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स होते हैं, साथ ही साथ गैसेस भी हो गए, है ना बच्चे, लिक्विड्स एंड गैसेस, तो दोनों को ही साथ में फ्लूइड्स भी कहा जा सकता है, आप ऐसा बोल सकते हो। लिक्विड एंड गैसेस टूगेदर 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 आर कॉल्ड एज टूगेदर आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स, आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज आपको समझ में आती है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बच्चों बोलूं तो ये जो फ्लूइड्स है, एक्चुअली में ये जो चैप्टर है इसको दो सेक्शन में हम तोड़कर पढ़ सकते हैं, मतलब दो पार्ट में इसको ब्रेक करके पढ़ सकते हैं, तो ज्यादा चीजें से, ज्यादा अच्छे से, क्लैरिटी से चीजें समझ में आएंगी। वो दो पार्ट्स हैं, एक को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक, है ना, हाइड्रो स्टैटिक, मतलब फ्लूइड्स की दो ब्रांच की जा सकती है। एक ब्रांच को बोला जाता है, जिसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले, इसको ही पढ़ेंगे, इसको बोला जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में जो है फ्लूइड रेस्ट पर रहेगा, फ्लूइड फ्लूइड इज एट रेस्ट, फ्लूइड इट एज रेस्ट, है ना, या फिर किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में, किसी भी रेफरेंस फ्रेम में अगर वो रेस्ट पर रहेगा तो हम उसको हाइड्रोस्टैटिक्स ही बोलेंगे, है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई आपका एक ट्रक ऐसे चल रहा है, तो ट्रक चल रहा है और ट्रक के ऊपर एक टैंकर रखा है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है। अब ये तो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये फ्लूइड भी मूव कर रहा है। नहीं, आप ट्रक के रेस्पेक्ट में देखो, जिस व्हीकल पे या जिस सरफेस पे फ्लूइड है उसके रेस्पेक्ट में देखो, अगर उसके रेस्पेक्ट में फ्लूइड रेस्ट पर है तो ये हाइड्रोस्टेटिक कहलाएगा। लिक्विड का फ्लो करने का मतलब क्या है? जैसे रिवर,
आप अगर बैंक पे खड़े हो तो आपके बैंक के रेस्पेक्ट में रिवर जो है उस सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, तो फिर वो हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाएगा जब फ्लूइड मोशन में होगा। यहाँ पे फ्लूइड मोशन में नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे फ्लूइड मशीन में, क्योंकि अगर आप ट्रक में ही बैठ के देखोगे तो फ्लूइड रुका हुआ दिखाई देगा ना, तो इस बात का ध्यान देना। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे फ्लूइड मोशन में तो ये हाइड्रो डायनेमिक्स होगा, ये हाइड्रोस्टैटिक्स में ही आता है ये सिचुएशन। इसके बाद जो दूसरा इसका क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोडायनेमिक्स, तो हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि इसमें हम किसकी बात करेंगे बच्चों, जब फ्लूइड जो है वो फ्लो करना चालू कर देगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्लूइड इज इन मोशन, फ्लूइड फ्लूइड इज इन मोशन। तो जब वो फ्लूइड मोशन में होगा तब हम उसकी स्टडी करेंगे, तो वो जो है ब्रांच कहलाएगी हाइड्रोडायनेमिक्स। और जब फ्लूइड रेस्ट पर रहेगा किसी पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में रिलेटिवली, तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो तो बच्चों फ्लूइड्स क्या होते हैं और फ्लूइड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ा जा सकता है। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे फ्लूइड का कहने का मतलब होगा आइडियल फ्लूइड। हम बहुत सारे एजम्पशंस यहाँ पे दो तीन एजम्पशंस लेके चलेंगे बच्चों, और उन एजम्पशंस को मानते हुए जो है थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। तो आइडियल फ्लूइड में क्या क्या एजम्पशंस मानना होता है वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लें फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसे। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम कुछ चीजें और लिख लेते हैं फ्लूइड के बारे में, है ना, जो कि आप जानते हो वैसे इन चीजों को, लेकिन एक बार लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट मेंशन कर लो, अनलाइक 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 अस अनलाइक अ सॉलिड सॉलिड फ्लूइड्स फ्लूइड्स हैज नो डेफिनेट हैज नो डेफिनेट शेप शेप ऑफ इट्स ओन शेप ऑफ इट्स ओन फुलस्टॉप ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ फ्लूइड द शेप एंड साइज ऑफ फ्लूइड द शेप एंड साइज ऑफ फ्लूइड इज नॉट फिक्स्ड, है ना। तो उसकी शेप और साइज जो है बच्चों फिक्स्ड नहीं होती है ना। एंड इट कैन अचीव एंड इट कैन अचीव अचीव शेप और साइज ऑफ कंटेनर ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना बच्चों। तो जैसे सॉलिड का फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है, वैसा लिक्विड के साथ नहीं होता, फ्लूइड के साथ नहीं होता, उसका खुद का कोई शेप और साइज नहीं होता है, लेकिन जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे वो उस शेप और साइज को अचीव कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो वीक होते हैं ना। फिर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो फ्लूइड हम लेके चल रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड है। अब आइडियल फ्लूइड किसको कहेंगे भाई, तो पहली कंडीशन आइडियल फ्लूइड की कि जो फ्लूइड होनी चाहिए वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है बच्चों, कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। भाई डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट, ऑब्वियसली बात है। मतलब इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसकी डेंसिटी में जो है वो कोई चेंज नहीं आ सकता। तो ऐसे फ्लूइड्स को जो है हम बच्चों कैसा फ्लूइड बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, है ना, या उसी को आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड की ये कंडीशन है, जबकि आप जानते हो कि ऐसा नहीं होता है, फ्लूइड्स को कंप्रेस किया जा सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि हम अभी चीजों को आइडियली पढ़ रहे हैं ना, आपकी जो 11th 12th की फिजिक्स है उसमें कई सारे एजम्पशंस लिए जाते हैं, तब आपको वो चीजें पढ़ती हैं, बल्कि उससे रियलिटी थोड़ी सी अलग होती है, तो थोड़ा सा और टफ हो जाती है चीजें, है ना। लेकिन पहले आइडियल चीजों को पढ़ना जरूरी है, तभी तो आप रियलिटी की तरफ जब पढ़ाई चालू करते हैं तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, क्योंकि पहले आइडियल चीजें तो हमें समझ में आनी चाहिए, वैसे ही प्रिंसिपल्स उसको एक्सटेंड करके फिर पढ़ा जाता है ना।
इसलिए इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली आप जानते हो कि ऐसा होता नहीं। दूसरी चीज, जो ये फ्लूइड होनी चाहिए, मतलब आइडियल फ्लूइड हम उनको बोलेंगे जो नॉन विस्कस होते हैं, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस। अब ये नॉन विस्कस कैसे फ्लूइड्स है बच्चों? तो नॉन विस्कस ऐसा फ्लूइड है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मतलब जैसे आप समझ लो कि उसमें विस्कोसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें जो फ्रिक्शन होने चाहिए दो लेयर्स के बीच में, उनके बीच में कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगना चाहिए, है ना? जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका एक फ्लूइड का ये लेयर है और दूसरी फ्लूइड की ये लेयर है, तो अगर ऊपर वाली लेयर खिसक जाए तो नीचे वाली लेयर को अपोज नहीं करना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए दो लेयर्स के बीच में, उसको नॉन विस्कस बोलते हैं। विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे वाटर होता है तो वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, मतलब उनके लेयर्स के बीच में जो फोर्सेस है बहुत कम होता है, इसलिए वाटर को आसानी से फैलाया जा सकता है। लेकिन वहीं पे आप सोचो शहद के बारे में, शहद अगर आप शहद की ड्रॉप डालोगे तो आसानी से नहीं फैलेगा, क्योंकि उनके इंटरनल लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है अच्छा खासा, है ना? मतलब वो विस्कस लिक्विड है, तो जितना गाढ़ा लिक्विड होता है उतना ज्यादा विस्कस होता है, और जितना थिन लिक्विड होता है वो नॉन विस्कस होता है। तो ऐसा हम मान रहे हैं कि विस्कोसिटी बहुत कम होती है आइडियल फ्लूइड की, मतलब नॉन विस्कस होता है, कोई भी इंटरनल या टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता है बिटवीन द लेयर्स, है ना? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉन विस्कस का मतलब है नो टेंजेंशियल फोर्स, नो टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, नो टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ, लेयर्स ऑफ फ्लूइड, है ना? और जो तीसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए बच्चों, जिसको हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे, वो इररोटेशनल फ्लूइड होना चाहिए, इररोटेशनल फ्लूइड। अब इसको भी समझें, इररोटेशनल फ्लूइड का क्या मतलब? इररोटेशनल फ्लूइड, इररोटेशनल फ्लूइड का मतलब है कि मान लीजिए कि बच्चों किसी सेक्शन में ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जब आप फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो आप इसमें कोई स्फेरिकल बॉडी ऐसे डाल दें, एक स्फेरिकल बॉडी डाल दें, तो ये फ्लूइड जो है इस स्फेरिकल बॉडी पे फोर्स लगाएगा, तो स्फेरिकल बॉडी भी आगे की तरफ जाएगी बच्चों, आगे की तरफ जाएगी। तो जब ये स्फेरिकल बॉडी आगे की तरफ जाए तो केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन होना चाहिए, ट्रांसलेटरी मोशन, फ्लूइड उसका रोटेटरी मोशन नहीं कराना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ओनली ट्रांस, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो होना चाहिए, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन हैपेंस, हैपेंस यहाँ पे कोई रोटेटरी मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये घूम नहीं सकता, तो इसकी रफ्तार भी तो होगी बट ओमेगा जीरो होगा, घूमना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, ओमेगा जीरो होगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो नो रोटेशनल मोशन, नो रोटेशनल मोशन। तो जब ऐसा होता है कि आप किसी भी फ्लूइड में जब वो फ्लो हो रहा है उसमें अगर आप किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं, तो वो केवल अगर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है और उसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई रोटेशनल मोशन नहीं आ रहा है, तो इस टाइप के फ्लूइड को इररोटेशनल फ्लूइड बोलते हैं। जबकि रियलिटी में आप जानते हो ऐसा नहीं होता है, जब भी आप किसी के पानी यानी फ्लो में होता है उसमें अगर आप कोई चीज डालोगे तो वो जाती भी है और घूमती भी है, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन करती है। तो ये रोटेशनल, ये इररोटेशनल फ्लूइड नहीं है, ये इररोटेशनल फ्लूइड है ना? तो मेरे ख्याल से इररोटेशनल फ्लूइड का ही मतलब समझ में आया। तो आइडियल फ्लूइड हम उनको बोलेंगे, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम फ्लूइड ऐसा ही मानेंगे जो कि इनकम्प्रेसिबल होगा, तो उसके कंप्रेसनेस को हम डेंसिटी को वेरी नहीं करेंगे, हम नॉन विस्कस मानेंगे, मतलब उनके बीच में जो भी टेंजेंशियल फोर्स है उसको कंसीडर ही नहीं किया करेंगे, या जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा जो ये फ्रिक्शन होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे कैसे निकाला जाता है ना। और तीसरी चीज जो है कि इररोटेशन होना चाहिए, तो इररोटेशनल का मतलब भी मैंने बता दिया, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। तो ये फ्लूइड आइडियल फ्लूइड कहलाएगा, तो ये तीन जो है उसकी बेसिक अजम्पशंस हैं फ्लूइड के लिए, है ना? तब हम उस फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है बच्चों अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वांटिटी पे आ जाते हैं जिसको बोला जाता है प्रेशर, है ना? तो प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि अब प्रेशर से ही डील करना है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट आगे या जितने ही प्रिंसिपल आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो प्रेशर क्या होता है? तो आप ये बोल सकते हो कि भाई किसी भी सरफेस पे, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, थोड़ा बहुत आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई है,
अगर हम फोर्स एफ लगाएं तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है बच्चों, डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, यानी इस एरिया पे कितना दबाव आ रहा है एक फोर्स की वजह से, तो वो जो दबाव आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर को सिंपली डिफाइन किया जा सकता है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और आप ये बोल सकते हो कि पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे मैं यहाँ पे प्रेशर लिखूं तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाई एरिया। अब आप समझो कि फोर्स कैसा, और मैं तो बोलता हूँ परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ऐसा क्यों डिफाइन किया गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फोर्स आप ऐसे लगाते, इनक्लाइन, है ना, इनक्लाइन, ये एंगल थीटा पर, तो आप खुद बताओ फोर्स के दो कॉम्पोनेंट हैं, एक एफ कॉस थीटा वाला जो एफ परपेंडिकुलर है, और एक इस सरफेस के टेंजेंशियल है, या एफ पैरेलल बोल दो, जो एफ साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, एफ साइन थीटा। अब आप एक बात बताओ इस सरफेस पे दबाव कौन बना रहा है, एफ साइन थीटा की एफ कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें दबाव जो बना रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो परपेंडिकुलर फोर्स है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है परपेंडिकुलर फोर्स, इसलिए इसको परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, यानी किसी भी एंगल पे भी अगर फोर्स लगता है तो उसका वो कॉम्पोनेंट केवल दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है, जो परपेंडिकुलर टू द एरिया हो, पैरेलल वाला नहीं करता है ना, पैरेलल वाला नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने कभी ना कभी, हो सकता है कि कोई ना कोई लेटर है वो लिखा होगा, या कोई एप्लीकेशन किया होगा, जैसे अभी तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है तो उतनी दिक्कत नहीं है, पहले के समय में जब आप एप्लीकेशन लिखते थे या लेटर लिखते थे तो उसमें टिकट स्टैम्प चिपकाना पड़ता था। मान लीजिए टेबल है, टेबल पे आपका ये लेटर रखा हुआ है और इसको सेंड करना है, तो जहां भी सेंड करना है तो एक टिकट चिपकाते हैं ना बच्चों, स्टैम्प चिपकाते हैं आप, स्टैम्प। अब आप सोचो यहाँ पे जब स्टैम्प चिपकाओगे गम लगाकर, तो आप जो है अपने थंब से उसको परपेंडिकुलर टू द टेबल प्रेस करते थे कि टेंजेंशियली खिसकाते थे। अगर आप टेंजेंशियली खिसका दोगे तो ये जो आपका स्टैम्प है ये तो खिसक जाएगा, तो फिर इसमें चिपकेगा थोड़ा ना, चिपकाने के लिए आपको दबाव बनाना है स्टैम्प पर, तो आपको कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फोर्स ही लगाना पड़ेगा उस सरफेस के, नहीं तो टिकट नहीं चिपकने वाला, फिर तो वो खिसक जाएगा अगर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। इसलिए आप उसको परपेंडिकुलर, अगर जैसे टेबल पर रखा है स्टैम्प तो आप ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा देते, अगर उसी स्टैम्प को आपको चिपकाना होता था और वॉल होती थी तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते थे क्योंकि इसके परपेंडिकुलर लगाना है, तो ऐसे आप अपने थंब को प्रेस करते थे ताकि स्टैम्प जो है वो लेटर से चिपक जाए, अगर दीवार पे चिपका रहे हो, अगर टेबल पे चिपका रहे हो तो डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, लेकिन आप सरफेस के परपेंडिकुलर ही रखते थे क्योंकि आप इंक्लाइन फोर्स लगाओगे या टेंजेंशियल लगा दोगे तो वो खिसक जाएगा, तो दबाव नहीं बनाएगा, इसलिए प्रेशर जो होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, पहली बात तो। अब इसकी यूनिट क्या हो गई बच्चों, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे, या फिर हम इसको बोलते हैं, जैसे कई बार होता ना कि यूनिट रखते हैं लेकिन हम किसी साइंटिस्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए उसके नाम पे बोल देते हैं, वैसे यहाँ पर किया गया है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है लेकिन उसको कहा गया पास्कल, तो पास्कल भी एक साइंटिस्ट थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को सिंपली पास्कल बोलना चालू कर दिया, है ना बच्चों। तो इसकी यूनिट पास्कल भी होती है, डायमेंशंस वगैरह आप निकाल सकते हो, आपको निकलवाया हुआ भी है पहले, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन फोर्स अपॉन एरिया जब हम लिखते हैं तो प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, मैं आपको बता दूं, या पहले आपने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो प्रेशर स्केलर क्वांटिटी फिर कैसे होती है अगर वो फोर्स पे डिपेंड करती है, तो बच्चों इसका कारण ये है कि यहाँ पे फोर्स नहीं है, फोर्स का एक कंपोनेंट है जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है, और फिक्स्ड डायरेक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स को हम स्केलर ही मानते हैं, जैसे आप टाइम को स्केलर मानते हो, टाइम को आप स्केलर मानते हो, लेकिन टाइम की एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो डायरेक्शन होती है,
टाइम हमेशा कैसे चलता है आपको पता हो, तो पास्ट से फ्यूचर चलता है, फ्यूचर से हम सॉरी पास्ट से प्रेजेंट चलता है, प्रेजेंट से हमेशा फ्यूचर चलता है, मतलब पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, इसकी डायरेक्शन कभी उल्टी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि फ्यूचर से प्रेजेंट चले आएगा और फिर पास्ट जाओगे, उल्टा नहीं होता है। पास्ट से हमेशा प्रेजेंट चलता है टाइम, और प्रेजेंट से फ्यूचर मतलब आगे बढ़ता रहता है, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहता है। जब एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहता है तो उनको स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है, स्केलर क्वांटिटीज एक ही डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर में डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन का है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का, वो और कोई डायरेक्शन वाला फोर्स इसमें नहीं आता है, इसलिए इसको मैंने एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया लिखा है, एफ अपॉन एरिया नहीं लिखा है, ये चीज को समझाने के लिए। एफ अपॉन एरिया नहीं है प्रेशर का डेफिनेशन जो कई किताबों में दिया जाता है, वो गलत है, वो रॉन्ग है। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्योंकि इसकी एक ही डायरेक्शन है कि वो एरिया के परपेंडिकुलर ही लगना है हमेशा, इसलिए वो डायरेक्शन को नहीं कंसिडर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर फोर्स ही एक्ट करता है, इसलिए प्रेशर को हमेशा स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि फोर्स पे डिपेंडेंसी होने के बावजूद प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला जाता है। अब जब आप फोर्स निकालते हो बच्चों, फोर्स निकालते हो तो आप लिखोगे प्रेशर इंटू एरिया, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा, ये मैग्नीट्यूड देगा, लेकिन क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो आप डायरेक्शन कैसे बताओगे, तो प्रेशर इंटू एरिया से मैग्नीट्यूड निकालना है। और आपको पता है कि कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगना होता है, तो उसकी डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिकली पता होती है कि परपेंडिकुलर फोर्स ही है ना। तो फॉर्मूले से आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, डायरेक्शन आपको पता है कि वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ही होना है, लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया जो है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा फिक्स है, इसलिए प्रेशर की जो क्वांटिटी है उसको स्केलर क्वांटिटी माना जाए, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको प्रेशर की क्यों स्केलर क्वांटिटी माना जाता है ये बात आपको क्लियर होगी, ये पूछते भी है कई बार, है ना, तो आपको इस तरीके से बतानी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस पॉइंट को जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ बच्चों, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज 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 इट डिपेंड्स, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, इट डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स टू द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लिख सकते हो, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसलिए प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी माना जाता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अच्छा बच्चों, कई बार ऐसा मन में भी सवाल आता है स्टूडेंट्स के कि भाई प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया क्यों डिफाइन किया गया, तो इसमें लॉजिक है, एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखा गया है। क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बोर्ड है बच्चों, है ना, अब आपका ये जो होता है ना कौन सा, तो इसको बोर्ड बोलते हैं जिसमें आप नोटिस वगैरह लगाते हो, है ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, नोटिस वगैरह लगाते हैं तो उसमें पिंस लगाते हैं, पिंस, तो जैसे कोई भी नोटिस है, कागज है, नोटिस बोर्ड ही तो बोलते हैं उसको, नोटिस बोर्ड पे, तो कोई भी नोटिस है अगर आपको नोटिस बोर्ड पे लगाना है तो आप क्या करते हो, वो पतली पतली सी पिन होती है इस तरीके से मोटी सी, और यहाँ से एक बहुत कम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो आप क्या करोगे, जैसी इस पिन को इसमें प्रेस करोगे अपनी अपने थंब से, तो बहुत इजिली प्रेस हो जाता है और ये नोटिस जो है नोटिस बोर्ड पे चिपक जाता है। अब आप सोचो कि इस पिन की जगह आपको पेन दिया जाए, पेन, और बोलो पेन से लगा दो नोटिस बोर्ड पे, तो आप पेन को कितना भी कंप्रेस करोगे ये पेनेट्रेट कर ही नहीं पाएगा, पेनेट्रेट करेगा ही नहीं पेन, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। यानी कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो आपके फोर्स लगाने पे फोर्स का इफेक्टिवनेस नहीं है, फोर्स इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो पेनेट्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप पेनेट्रेट कराना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने पिन वाला यूज किया जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, लेस है, लेस है, वो बहुत आसानी से पेनेट्रेट कर जाता है, यानी कि बहुत आसानी से जब पेनेट्रेट कर रहा है ये, तो इसका मतलब फोर्स का इफेक्टिवनेस बढ़ गया, फोर्स का बच्चों इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ गया। यानी मैं आपको बताऊं तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है प्रेशर का, वो फोर्स के इफेक्टिवनेस को बताता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो इफेक्टिवनेस नहीं होगा, फोर्स, फोर्स का इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा नहीं होगा,
फोर्स का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने से होगा। आप सोचो इसी का एग्जाम्पल लेते हुए किचन में इसका बहुत अच्छा यूज है भाई। आप जैसे कोई भी सब्जी वगैरह काटते हैं, भाजी वगैरह काटते हैं, है ना, जो घर पे बनती है, अगर आप ऐसी नाइफ लेके आ जाएं, ऐसी नाइफ लेके आ जाएं जो ब्लंट हो चुकी है, ब्लंट हो चुकी है मतलब वो घिस चुकी है, यानी कि उसमें शार्प एज नहीं है, तो वो ब्लंट एज से कटेगी ही नहीं सब्जी, कटेगी नहीं, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि उसका इफेक्ट ही नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया है। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, एक एज को शार्प कराना पड़ता है। जब वही शार्प एज से जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम होता है तो देखो सब्जी कितनी आसानी से कट जाती है। इसी का एग्जाम्पल है जब डॉक्टर के पास सिरिंज लगवाने जाते हैं, तो जब डॉक्टर सिरिंज लगाता है तो सिरिंज आपने देखी होगी कि उसकी सुई की जो नोक होती है सिरिंज की, वो बहुत पतली सी होती है बच्चों, पतली सी होती है। फिर उसके बाद तो इस तरीके से वो लगाया जाता है ना, इस तरीके से, तो ये सिरिंज की नोक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में पेनिट्रेशन करना है, तो पेनिट्रेशन बहुत आसानी से हो जाए इसके लिए आप क्या करोगे भाई, उसको पतला रखोगे, इसलिए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम कर दिया जाता है, ताकि बहुत कम फोर्स में प्रेशर अच्छा मिल जाए, मतलब उसी को प्रेशर बोल रहे हैं ना, जिसमें आपका इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है भाई। यही तो कारण है, जैसे आप सैंड है, रेत है, रेत जब आप रेत में चलते हो तो अपने पैरों से जब आप चलते हो तो आपके पैर थोड़े थोड़े धंसते हैं, धंसते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, एमजी फोर्स लग रहा होता है, फोर्स उतना ही लग रहा होता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है क्योंकि आपके पैर का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है ना रेत में, तो आपके पैर थोड़े थोड़े धस जाएंगे, धस जाएंगे, उसमें पेनेट्रेट करेंगे। लेकिन आप सोचो उसी रेत के ऊपर आप लेट जाओ तो आप नहीं धसोगे, क्योंकि लेटते हुए आपने क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है कि पेनिट्रेशन नहीं होगा, इफेक्टिवनेस उसी एमजी फोर्स का कम हो गया, अब वो उतना इफेक्टिव नहीं है कि आपको रेत में धसा सके। इसलिए एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है, एंड प्रेशर इज एक्चुअली डिफाइंड एज द फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका है कि प्रेशर जो है वो इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स को दर्शाता है। अब ये देखना पड़ता है कि ये फोर्स तब ज्यादा इफेक्टिव होता है जब एरिया कम होता है, और ये फोर्स का इफेक्टिवनेस कम होता है जब एरिया ज्यादा होता है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया लिखा गया है प्रेशर को। तो मेरे ख्याल से आपको प्रेशर का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ में आ रहा होगा। इसलिए बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं जो आप कंधे पे टांगते हो, उन स्ट्रैप्स को मोटा बनाया जाता है, मोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि आपके कंधों पर प्रेशर एरिया बढ़ जाए, तो वो बैग का जो वजन है उसके कारण जो प्रेशर है वो कम लगे, उसका इफेक्टिवनेस कम हो, नहीं तो आपके कंधे दुखने लगेंगे, दर्द होने लगेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे ये जानबूझ के किया भी जाता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखा जाता है। जैसे भाई आपके ट्रक्स वगैरह होते हैं, तो ट्रक्स में छह छह व्हील्स लगाए जाते हैं, आपने देखा हो, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं दो दो व्हील करके तीन जगहों पे व्हील्स लगते हैं, छह व्हील्स लगते हैं टोटल, ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए, और उसका क्योंकि ट्रक का वेट बहुत ज्यादा होता है तो वो इजिली रोड पे चल पाए, नहीं तो ज्यादा से वो रोड पे ही धस जाएगा ट्रक, है ना। इस तरीके से आप करते हो, जैसे रेलवे ट्रैक्स है, तो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर पहले नीचे जो है वुडन ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, आपको पता है, ऐसे नहीं है कि जमीन के ऊपर डायरेक्ट रेलवे ट्रैक्स रख दिए, वुडन ब्लॉक्स के ऊपर रेलवे ट्रैक्स को रखा जाता है ताकि वुडन ब्लॉक्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जमीन के कॉन्टेक्ट में आए तो एरिया बढ़ जाए, ताकि ट्रेन जैसी भारी चीज के भी लोड जो है जमीन सह सके, उठा सके, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको अब काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि प्रेशर को कैसे डिफाइन किया गया, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी क्यों है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है ना, और प्रेशर को कैसे डिफाइन किया गया है ये आपको क्लियर होगा, और प्रेशर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा ये भी आपको क्लियर होगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से प्रेशर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे पूरे ही चैप्टर में प्रेशर का ही रोल है, न्यूमेरिकल्स भी उसी से बनेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये पूरे पॉइंट्स क्लियर है। तो देखिए बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअली उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसको लिख भी लेते हैं एक लाइन में, तो आप बोल सकते हो एक्चुअली एक्चुअली प्रेशर प्रेशर टेल्स अस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स, 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 है ना। तो एक्चुअली इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स को बताता है कौन बेटा, प्रेशर,
और उसके बाद फिर मैंने आपको जैसे बताया कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो प्रेशर की एसआई यूनिट जो होती है भाई वो होती है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम उसको पास्कल बोल सकते हैं ना, या फिर आप इसकी सीजीएस यूनिट भी सुन एक बार देख लीजिए, क्योंकि यूनिट्स बहुत काम में आती हैं, तो आगे चलकर यूनिट्स का बहुत रोल होगा, अलग अलग टाइप की यूनिट्स आएंगी, लेकिन उसको आपको पास्कल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इन दोनों में कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हो, तो आप निकाल कर देख लेना। ठीक है, ये आप काम कर सकते हो। फिर एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी एक यूनिट होती है, ये एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 ATM। ये याद रख लो कि 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, अगर कभी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यूनिट दी जाए तो उसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़े, तो 1 ATM को आप लिख सकते हो 10^5 पास्कल, 1 लाख पास्कल, है ना। तो कभी भी एटीएम में आपको प्रेशर दिया जाए तो उसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लेना पास्कल में, है ना। तो ये मैंने कन्वर्जन फैक्टर आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कुछ और भी यूनिट्स हैं, समय के साथ हम देखेंगे। जैसे 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एक हाइट के फॉर्म में भी दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बाद में समझा दूंगा, उसके लिए हम थोड़ा एटमोस्फेरिक प्रेशर कैसे निकाला जाता है उस पर जब आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा उस यूनिट के बारे में, है ना। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, अभी फिलहाल इतना आप लिख लीजिए, बाकी की यूनिट कुछ मैं आपको बाद में समय के साथ जब वो चीजें आएंगी तब बता दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से प्रेशर के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए सफिशियंट है। इसके बाद हम इस पे डिफरेंट डिफरेंट जो है लॉस वगैरह पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो वो अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना।